भारत रत्नाकर जी, सुरेश पहलवान जी, संजय खटीक जी, राजेंद्र खटीक जी, श्री कृष्ण आर्य जी, हमारे जीवाजी यूनिवर्सिटी के डीन राजेंद्र खटीक जी, नागेश बकरिया जी, एम के बकरिया जी, सिद्धार्थ रत्नाकर जी, बलबीर खटीक जी, हमारी नवनिर्वाचित सबसे कम आयु की पार्षद भावना खटीक जी, हमारे पूर्व विधायकगण पंचमलाल जी सपरे, ओम प्रकाश खटीक जी, शकुंतला खटीक जी, रमेश खटीक जी, बीना से आए हुए शशि कथूरिया, मुरैना से आए हुए मुरैला खास जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त महानुभव और इस सभागृह में उपस्थित समस्त खटीक समाज के सदस्यगण, नहीं मैं तो कहूंगा मेरे परिवार के सदस्यगण जो हैं, मैं पिछले एक घंटे से इस मंच पर बैठकर सबकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। पुरानी बातें थी, वर्तमान की बातें थी, भविष्य की बातें थी, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारे खटीक समाज में हमारे पुराने इतिहास की, समाज की पहचान की और समाज की पृष्ठभूमि केवल एहसास नहीं लेकिन जीता जागता प्रेरणा हमारे खटीक समाज के एक एक व्यक्ति के अंदर है। हमारा समाज मेरे भाइयों और बहनों कोई साधारण समाज नहीं, अगर भारत के गुलदस्ते को हम एकत्र करें, एक वही भारत है जिसमें विश्व के सभी जितने भी कुल हों वो भारत के माने में समाये सकते हैं और एक एक कुल की महक अलग है। जो क्षमता भारत की है, जो विविधता भारत की है, शायद वो किसी और देश इस पृथ्वी में न हो, वो क्षमता मेरी भारत माता की है, हमारे सामाजिक रीति। और जब उन समाजों का हम विश्लेषण करते हैं तो बिरला ऐसे समाज होते हैं जिनका योगदान, जिनकी पृष्ठभूमि इस पृथ्वी तक सीमित नहीं, लेकिन पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग के साथ भी जुड़ी हुई है। और उन समाजों के श्रेणी में अगर एक समाज है तो वो मेरा खटीक समाज है। इस प्रदेश का नेता कैसा हो? आप लोगों ने तालियां तो बजाई, मुख्यमंत्री हमारे सिंधिया जी हो, आप लोगों ने तालियां तो बजाई, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है
वो शायद खटीक समाज के हमारे बुजुर्गों को अच्छी तरह से वे वाकिफ हो, लेकिन आप लोगों की, रमेश जी आपकी, हमारे पूर्व विधायकों की, भरत जी की, सबकी जिम्मेदारी, संयुक्त जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सामाजिक सम्मेलनों में उस बुलंद इतिहास का संदर्भ सदैव दिया जाना चाहिए, ताकि वही एक नई प्रेरणा, नई विचारधारा और पुराने अतीत के लिए सम्मान आने वाले पीढ़ी में भी सम्मिलित हो। और क्या है वो इतिहास? जब इस पृथ्वी पर नहीं, लेकिन ऊपर परलोक में देवासुर का संग्राम हो रहा था, असुरों और देवताओं के बीच में संग्राम हो रहा था, तब उस समय आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्य की वातावरण देवताओं को अपने आप को थोड़ी दुर्बल अपने आप को वे पाए असुरों के सामने। दोनों ने पृथ्वी पर हमारे क्षेत्र के अयोध्या के राजा, महान राजा खटंग को सूचना दी कि आकर आप हमें मदद करिए, और अयोध्या के राजा महान राजा खटंग ने उस समय देवताओं के मदद के लिए पूर्ण रूप से सेना के साथ निकले, और महान राजा खटंग की बहादुरी और वीरता के आधार पे ही देवताओं ने असुरों को पूर्ण रूप से परास्त किया। और राजा खटंग से देवता इतने प्रभावित हुए उनकी वीरता से, उनकी क्षमता से, उनकी विचारधारा से कि युद्ध भूमि में कैसे लड़ाई लड़नी है, आजकल की युद्ध भूमि तो चुनाव बन चुकी है, इतने प्रभावित हुए। तो उन्होंने पूछा राजा खटंग से, आप बताइए आपको क्या वरदान चाहिए, आप जो मांगो में हम देने के लिए तैयार हैं। तो राजा खटंग ने पहले देवताओं से मुड़कर पूछा, पहले आप बताइए महान देव, भगवान आपके चरणों में मैं नमन कर रहा हूं, पहले आप मुझे बताइए कि मेरी आयु कितनी बची। तो जब राजा खटंग से देवताओं ने, राजा खटंग ने देवताओं से पूछा कि कितनी आयु बची, तो देवताओं ने घूमकर बोला मात्र एक मुहूर्त। तो राजा खटंग ने उस समय बोला कि आपसे वरदान लेके मैं क्या करूंगा, जब मात्र एक मुहूर्त मेरी जीवन की शेष है, और उसी समय स्वर्ग से सीधे वापस धरती पे आए, वापस अयोध्या आए, और अपना जितना समय बाकी था, अपना पूरा राज, अपना पूरी राजधानी में सब गरीबों के लिए त्याग कर दिया, और सदैव अपने जीवन में केवल नहीं लेकिन आज तक वे हम सब के लिए एक चिरस्थायी देवता स्वरूप आज बन गए। ये हमारी कहानी है समाज। हमारी वीरता की, हमारी शौर्य,
यकीन, हमारी संकल्प। और आज भी काली माता के मंदिर में हमारे समाज को पूजा जाता है। हमारे गुरु दुर्बल नाथ जी, उनके उद्धार, उनके शिक्षा, उनकी समानता की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। तो जब हमारा सामाजिक सम्मेलन ऐसा आयोजित हो, राजा खटन जी का चित्र लगना चाहिए, हमारे समाज के गुरु दुर्बल नाथ जी का चित्र लगना चाहिए, और हम सबको उन्हें नमन करने का एक मौका अर्पित होना चाहिए। हमारी समाज, मेरे भाई और बहनों, एक सामाजिक प्रगति और विकास की समाज, और इस समाज के साथ सिंधिया परिवार का एक पारिवारिक संबंध बना है। जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, 1880 में सिंधिया रियासत में दलित बार कमीशन बनना गठित किया गया। अनेक तरीके से नई विचारधाराएं लाई गई, जो मंदिरों में दलित समाज को जाने से रोका जाता था, उस नियम को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। दलित समाज के नौजवान बच्चों की शिक्षा के लिए 100 साल 150 साल पूर्व नियम लागू की गई, और मराठाओं ने तो बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलकर सामाजिक उत्थान और सामाजिक कल्याण के साथ, चाहे सयाजीराव महाराज हो गायकवाड़ बड़ौदा के, जिनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता मेरा है, चाहे माधव महाराज हो ग्वालियर के, साथ में मिलकर एक अक्षुण भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक सामानता का भारत को स्थापित करने के लिए जी जान लगाने का कार्य। आज ग्वालियर में नई विकास और प्रगति की दौड़ आ रही है, और सुरेश ने ठीक कहा, मैं आपको विश्वास दिलाऊं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, चाहे चंबल से पानी लाने की बात, आपके एक एक वार्ड में जितने प्यासे कंठ सूखे के समय में रहते हैं, गर्मी के समय में रहते हैं, मैंने पहले से कहा था, चंबल से मैं पानी मुरैना के लिए भी लाऊंगा, और चंबल से पानी मैं ग्वालियर के लिए देता हूं। मेरा संकल्प है कि जो ग्वालियर का स्थान 1910-1920 में माधव महाराज के समय में रहता, मध्य भारत का नहीं लेकिन राष्ट्र के अग्रिम शहरों में ग्वालियर को गिना जाता था, उस स्थान पर पहुंचाने का संकल्प आज आपके समक्ष मिलकर आपके साथ में लेता हूं। और जब तक उस संकल्प को हम पूरा ना करेंगे, तब तक खून पसीना एक करके हम लोग मेहनत मशक्कत करेंगे। मेरी आजी अम्मा पर नामांकन किया हुआ एयरपोर्ट, छोटा सा भवन, एक प्लेन नहीं उतरता था, कौवे नहीं बोलते थे, आज छोटे प्लेन नहीं आते, जो प्लेन मुंबई और दिल्ली और बैंगलोर और हैदराबाद और सिंगापुर और दुबई में लैंड करते हैं, वही एयरबस 320 और बोइंग 737 आज ग्वालियर में लैंड होता है। आज जेआरडी टाटा जी की जयंती है, जिस जेआरडी टाटा ने नागर विमानन क्षेत्र की शुरुआत की थी भारत में, और जब जेआरडी टाटा ने 1942 में एयर इंडिया की शुरुआत की थी आजादी के पहले, उस समय पहला जगह जहां प्लेन लैंड
लगता था बॉम्बे तो जाएगा ही, दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा, आपका चेन्नई जाएगा, पर उसके साथ ग्वालियर में भी एयर इंडिया का प्लेन 1942 में लैंड करता था। तो आज ग्वालियर में मेरी आदि अम्मा के लिए समर्पित छोटा भवन नहीं, लेकिन 500 करोड़ का 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट नवीन में बना रहा हूं सबसे आधुनिक और रिकॉर्ड टाइम में मैं बना रहा हूं। गृह मंत्री जी अक्टूबर 16 को आए थे यहां शिलान्यास करने के लिए और इस साल के अंत के पहले मतलब 12 महीने से थोड़ा कुछ ज्यादा 13 महीने में 13.5 महीने में आपका नया एयरपोर्ट मैं तैयार कर दूंगा और ग्वालियर में नहीं, ग्वालियर में नहीं पूरे भारत में हम इतिहास रचेंगे। 500 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट देश के किसी भी कोने में 13 महीने में 70 साल में तैयार नहीं हुआ है जो ग्वालियर में तैयार हुआ। दिल्ली जा सकते हो, आप मुंबई जा सकते हो, आप बंगलुरु जा सकते हो, आप हैदराबाद जा सकते हो, आप कोलकाता जा सकते हो, आप जम्मू जा सकते हो, आप इंदौर जा सकते हो। और जैसे रमेश जी ने कहा एयरपोर्ट को मैंने कभी सोचा नहीं, पर वास्तविकता में बस अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। लग जाती है जेट इंजन वाली बसे, पर रमेश जी मेरा निवेदन है खटीक समाज से कि अभी वर्तमान में वो बसे आधे खाली जा रही हैं, जरा बसों को भर देना। देश के कोने कोने में चले जाना। और मैं अक्सर जब एयरपोर्ट में लैंड करता हूं मैं देखता हूं कि ज्यादा करके सारे के सारे पुरुष ही दिखते हैं। अगले बार मैं खटीक समाज के हमारे पुरुषों को भी कहूंगा कृपा करके आप जाएं तो अकेले न जाएं, अपने पत्नी और माताजी और लड़कियों को भी लेके अपने साथ जाएं। ठीक है ना अम्मा? क्यों ठीक है ना शकुंतला? ठीक है ना ममता? ठीक है ना? महिलाओं को भी साथ में ले जाओ, अगर आप काम कर रहे हो तो महिलाएं भी थोड़ा देखें वो शहर और थोड़ा खचाखच भर के ले जाना। तो ग्वालियर बदल रहा है, ग्वालियर का नक्शा में बदल रहा। अब जहां तक खटीक समाज की बात, आप लोग ने मुझसे निवेदन किया, मेरा एक भावनात्मक लगाव आप लोगों के साथ। शकुंतला जी ने बताया कि इनकी लड़ाई इन्होंने अकेले कैसे नहीं लड़ी, इनकी लड़ाई में इनके साथ में खड़ा नहीं था, इनके सामने में खड़ा था। मेरे खटीक समाज के किसी भी व्यक्ति की लड़ाई में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ शामिल है, ये विश्वास मैं आपको दिला रहा हूं। सही लड़ाई में, गलत लड़ाई में नहीं, सही लड़ाई में। और जब दुख का समय आया बिलेठी गांव में, जब मेरी बेटी की शादी थी, बारात निकली थी, शादी के लिए लड़की को वाले ले गए थे पूर्ण परिवार को, और रास्ते में एक सकड़े हुए पुल पर 6 बजे सुबह बहुत भीषण दुर्घटना हुई। उसी समय खटीक समाज के सभी लोगों के साथ, मंचासीन लोगों के साथ मिलकर मैं वहां गया था दुख बांटने के लिए और न्याय दिलवाने के लिए, जो मेरा दायित्व और धर्म है मेरे भाइयों में। आपके खुशी के समय में आपके साथ मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन भगवान ना करे आपके साथ आपके घर पर कभी भी अगर दुख मंडराएगा तो कोई और आए या ना आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ रहे। कितनी क्षमता है मैं इस मंच पे देख रहा हूं, आपकी समाज की अपार क्षमता है,
के समाज के नवरत्न आज केवल मध्य प्रदेश में नेतृत्व नहीं कर रहे, देश में नेतृत्व कर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार जी हमारे बुंदेलखंड के मेरे साथ कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र में सौम्य हैं, क्षमतावान हैं। मेरा सौभाग्य है उनके साथ काम करने का एक मौका मुझे मिला है। मध्य प्रदेश में तुलसी सिलावट की जो संपूर्ण खटी समाज का केवल नेतृत्व नहीं करते लेकिन उनके दिल में जो प्यार की भावना एक एक जन जन के प्रति है, तुलसी सिलावट जी जैसे लोगों से मैं प्रेरणा लेता हूं। मेरा सौभाग्य है कि जिन लोगों ने मेरे पूज्य पिताजी के साथ कार्य किया, जिन लोगों ने मेरी दादी आजी अम्मा के साथ कार्य किया है, उन लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है, इससे ज्यादा सौभाग्य मुझे अपने जीवन में नहीं मिलता। तो आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने आप को अकेले मत समझना, आप ये याद रखना कि आपके विकास में, आपके प्रगति में मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूं। और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए मेरे तरफ से कोई भी जरूरत होगी, मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि वो अगर अवसर मुझे प्रदान किया जाए, आप सब लोगों को